रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लासी, हाउ यू ऑल? ओके क्लासी, ओपन पेज नंबर 89। वी हैव रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 15। यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई थी। टुडे वी आर गोइंग स्टार्ट चिल्ड्रन राइट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन इट राइट हियर, चिल्ड्रन राइट्स, बच्चों के हकूक। ठीक है, ऑल चिल्ड्रंस आर बॉर्न फ्री एंड ईच शुड बी ट्रीटेड इक्वली। दे हैव रीजंस एंड कंसाइंस एंड शुड एक्ट टूवर्ड्स वन अनदर इन अ फ्रेंडली मैनर। हर जो बच्चा होता है ना, वो फ्री पैदा होता है, ठीक है, उसको हक है कि उसको इक्वली ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाए और किसी एक बच्चे की कोई बात ही ना सुनी जाए। तो सब बच्चों को क्या है, इक्वल राइट्स ना, तो इक्वली उनको ट्रीट भी करना चाहिए, ठीक है, और उनके साथ फ्रेंडली मैनर्स में रहना चाहिए, ठीक है। जब आप बच्चे के साथ फ्रेंडली मैनर्स में रहते हैं तो बच्चे भी अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। आप लोगों में से कितने बच्चे होंगे जो अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके साथ फ्रेंडली मैनर्स में रहते हैं, ठीक है। अपनी बातें आप लोग अपने बहन भाइयों से भी शेयर करते होंगे। ये इसलिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं आपके सारे राइट्स पूरे कर रहे हैं, ठीक है, आपको फ्रेंडली मैनर्स में रख रहे हैं, ठीक है। सो हर बच्चे का यही हक है। फिर उसके बाद क्या, द राइट टू बी लव, ठीक है, प्यार का हक। ऑल ह्यूमन बींग्स नीड अफेक्शन, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। हर जो इंसान है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तवज्जो की ज़रूरत होती है, कि उसको प्रॉपर तवज्जो मिले, ठीक है, प्यार की ज़रूरत होती है, और उसको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को कोई अंडरस्टैंड करने वाला हो, हर चीज़ उसको समझने वाला हो कोई, ठीक है। चिल्ड्रंस हैव अ राइट टू बी लव्ड एंड केयर फॉर। चिल्ड्रन का राइट है कि उनको प्रॉपर प्यार भी मिले और उनको केयर भी मिले, ठीक है, उनकी केयर भी की जाए। लव्स गिव्स अस, प्यार हमें क्या देता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। हमें एक लव की वजह से ही हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है, हमें खुशी भी मिलती है जब हमें अच्छा लगता है ना कोई हमसे प्यार कर रहा है। जब आपसे टीचर्स भी प्यार करें, आप टीचर्स की बात मानते हो तो टीचर्स भी आपसे प्यार करते हैं, घर में पेरेंट्स भी करते हैं, फ्रेंड्स भी करते हैं, तो आपको क्या होता है, आपको में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है, सिक्योरिटी मिलती है, खुशी मिलती है, ठीक है। द राइट टू एजुकेशन, उसके बाद एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है, तालीम की। एवरी चाइल्ड, गर्ल और बॉय, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हैज़ द राइट टू गो टू स्कूल। उसको हक है कि वो स्कूल जाए एंड रिसीव फ्री एजुकेशन, और उसको फ्री एजुकेशन मिले, ठीक है। एट स्कूल दे शुड बी एबल टू डिवेलप ऑल देयर टैलेंट्स एंड शुड बी टॉट टू गिव गेट वन एंड अदर्स विद वट एवर देयर रेस, रिलीजन्स और द कंट्री दे कम फ्रॉम, ठीक है। हर बच्चे का हक है कि उसको उसमें उसके टैलेंट को देखते हुए उसको पढ़ाया जाए, ठीक है, और उसमें चाहे वो किसी भी जगह से हो, कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, गोरा हो, काला हो, ठीक है, या उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी एक को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाए जस्ट बिकॉज ऑफ उसके लुक को देखते हुए या उसके रिलीजन्स को देखते हुए, उसकी रेस को देखते हुए। नहीं, आप हर चीज़ को देख के आप बच्चे को ट्रीट नहीं करोगे, इस चीज़ों से हट के हर बच्चे को इक्वली आपने ट्रीट करना है, ठीक है। ये हमारा फ़र्ज़ है, टीचर्स का भी, ठीक है, पेरेंट्स का भी, बाकी सब लोगों का भी, ठीक है, कि वो हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करें, ठीक है, बायस नहीं होना चाहिए। एवरी चाइल्ड, गर्ल और बॉय, शुड बी गिवन एन इक्वल चांस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर लाइफ अहेड, ठीक है। हर बच्चे को हक है कि अपनी लाइफ का जो है वो चांस इक्वली जो है वो उसको प्रिपेयर करे, तैयार करे। हाउएवर अ चाइल्ड शुड नॉट बी फोर्स टू स्टडी ऑल द टाइम। इसी तरीके से बच्चे को हर टाइम जो है वो स्टडी के लिए क्या नहीं करना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए। एंड ओल्ड प्रोवर्ब क्या है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ज़्यादा काम, हर वक्त का काम और कोई खेलना हो तो वो एक जैक जैक को भी क्या डल बॉय बना देता है, एक सुस्त सा बॉय बना देता है। इज ट्रू टू दिस डे। तो क्या है, आपको अपनी हर चीज़ को मैनेज करना चाहिए, टाइम को मैनेज करना चाहिए, आपने खेलना भी है, आपने पढ़ना भी है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ों को मैनेज करना बच्चों को भी आना चाहिए, ठीक है, और पेरेंट्स को भी स्पेस देनी चाहिए। तो आप लोगों का एक स्पेसिफिक टाइम रखें कि इतने टाइम में हमने पढ़ना है, इसमें हमने खेलना भी है, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करनी है, इंडोर एक्टिविटीज़ भी करनी है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी गिवन टाइम टू प्ले गेम्स दैट दे इंजॉय एंड टू रिलैक्स, ठीक है। तो गेम्स आपको रिलैक्स करती हैं, तो आपको प्रॉपर जो है वो रिलैक्सेशन चाहिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए। चिल्ड्रन ऑल्सो हैव द फॉलोइंग राइट्स। चिल्ड्रन के कौन कौन से राइट्स हैं, द राइट टू फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, जैसे कि आपने पढ़ा कि आपको
प्रॉपर फूड मिले, क्लॉथ्स मिले, शेल्टर्स मिले, द राइट टू मेडिकल केयर एंड टू बी फर्स्ट टू गेट रिलीफ इन डिजास्टर और इमरजेंसी। मेडिकल केयर मिलनी चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पेन हो रही है कहीं, तो आपको, या कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई है, तो आप फॉरन से जो है वो आपको फर्स्ट जो है मेडिकल केयर मिलनी चाहिए। द राइट टू गो टू अ नेम एंड नेशनैलिटी, दे हैव द राइट टू बिलोंग टू अ कंट्री। नेशनैलिटी आपको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, जहाँ आप रहते हो आपका नेम हो वैसा। द राइट टू लिव इन अ पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है। आप अमन में रहो, आपको सुकून में रहो, कोई हर वक्त की लड़ाई झगड़े से परहेज किया जाए, ठीक है। तो ये आपको, और एक भाईचारे में रहो, ये आपका राइट है। द राइट टू एंजॉय दीज राइट रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर एंड जेंडर, रिलीजन और नेशनैलिटी। ये सारे जो आपको राइट्स बताए हैं, ये किसी भी रेस, कलर, जेंडर, रिलीजन्स और नेशनैलिटी से हट के आपको एंजॉय करने चाहिए, मतलब इन चीज़ों के शिकार नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर अराउंड अस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करें। आवर वर्ल्ड वुड बी मच हैप्पियर प्लेस इफ ऑल द पीपल एंजॉय देयर ड्यू राइट्स। हमारी जो वर्ल्ड है वो बहुत ही हैप्पियर प्लेस हो सकती है, अगर हम ये सारे राइट्स एंजॉय करें। वी ऑल्सो नीड टू नो एंड कैरी आउट अवर ड्यूटीज टूवर्ड अदर। हम अपनी ड्यूटीज को पूरा करें और फिर हम अपने राइट्स को एंजॉय करें, तो ये हमारा फर्ज है, ठीक है, कि हम पहले अपनी ड्यूटीज जो है वो हमारी पूरी करेंगे, तो हम अपने राइट्स का क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी ड्यूटीज पूरी ना करें और हम लोग सिर्फ राइट्स की बात करें कि हमें राइट्स नहीं मिल रहे, हमें, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। हमारे भी कुछ राइट्स हैं, और हमें पहले अपनी ड्यूटीज पूरी करनी होती है, फिर उसके बाद अपने राइट्स का क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये रीडिंग जो लास्ट चैप्टर की है वो कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन आंसर और वर्क पे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।